सो हाई गाइज एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डेली जी के गुरु। और आज का जो हमारा करंट अफेयर्स होगा वो 28th अक्टूबर के लिए होगा। प्रीवियस सभी वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये जितने भी वीडियोस होंगे डेली करंट अफेयर्स के, ये हर एक वनडे एग्ज़ाम जिसमें जीके या जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है। तो अगर लगे कि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव है ये, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27th एनुअल यूएन मीटिंग ऑन क्लाइमेट, ठीक है, COP27, COP इज़ फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, विल टेक प्लेस इन, मतलब 27वां एनुअल यूएन मीटिंग जो है क्लाइमेट पे, COP27, बेसिकली जनरली हम ये याद रखेंगे COP27 ये कहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट या फिर इंडिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा इजिप्ट। ये इजिप्ट में होने वाला है, शर्म ए शेख में, शर्म एल शेख, ठीक है, इस जगह पे होगा। और बात करें अगर हम इजिप्ट की, तो इजिप्ट के पीएम है मुस्तफ़ा मदबौली, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है अब्देल फतेह अल सीसी हैं, कैपिटल जो है वो कैरियो है, और करेंसी इजिप्शियन पाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ री अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ ICICICI। तो ICICICI के MD और CEO वापस से इन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है, तो ये कौन है, अगर पहले के पता होंगे तो ये भी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन है अरमान मलिक, संदीप बख्शी, संदीप गुप्ता या फिर दिनेश कुमार। तो राइट आंसर है संदीप बख्शी, ठीक है, संदीप बख्शी जी को रीअपॉइंट किया गया, ये है संदीप बख्शी। अच्छा, बात करें ICICI बैंक की, तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। MD एंड CEO संदीप बख्शी थे और ये रहेंगे, 3 साल के लिए इनका टर्म जो है और आगे बढ़ाया गया है। चेयरमैन जो है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं, और इसका गठन 1994 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लीगलाइज्ड कैनबिस यूज फॉर रिक्रिएशनल पर्पस। तो कह सकते हैं रिक्रिएशनल पर्पस के लिए कैनबिस का इस्तेमाल जो है वो किस कंट्री ने कह सकते हैं लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं फ्रांस, माल्टा, जर्मनी या इंडिया। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी में कैनबिस यानी गांजा, ठीक है, जो एक नशीला पदार्थ है, ठीक है, इसका इस्तेमाल जो है वो लीगलाइज कर दिया गया है। 20 से 30 ग्राम जो है रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, ये इसको जो है इसका कंजम्पशन जो है वो लीगल है, ठीक है। और माल्टा पहला देश था यूरोपियन यूनियन में जिसने इसको मंजूरी दी थी, ठीक है। तो माल्टा भी याद रखेंगे, पहला कंट्री था यूरोपियन यूनियन में जिसने मंजूरी दी थी कैनबिस के यूज़ के लिए, ठीक है। बात करें जर्मनी की, तो चांसलर हैं ओल्फ स्कॉल्स, प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, कैपिटल बर्लिन है, और करेंसी है यूरो। ये जो फोटो में है ये हैं चांसलर जर्मनी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UNSC's काउंटर टेररिज्म मीट टू बी हेल्ड इन। तो UNSC काउंटर टेररिज्म का जो मीटिंग है वो कहाँ पर होगा। तो ऑप्शन है फ्रांस, माल्टा, जर्मनी या इंडिया। तो राइट आंसर है इंडिया। इंडिया में होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसकी होगी वो इसका थीम होगा। थीम होगी काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर टेररिस्ट पर्पसेस, ठीक है। अच्छा, बात करें इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू UN वो कौन है। तो वो है रुचिका कंबोज, ठीक है, रुचिका कंबोज इंडियन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN है, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाली फिल्म डायरेक्टर हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो ऑब्यूचरी का पार्ट है ये। इस सेक्शन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जैसे आर्ट लिटरेचर से जो भी संबंधित होते हैं उनके बारे में पूछ लेता है, अगर उनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ हो तो वो किस क्षेत्र से थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसमें आ जाएंगे ऑब्यूचरी में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बंगाली फिल्म डायरेक्टर जो कि अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, तो ऑप्शन है प्रसून बसु, अनुराग बसु, पिनाकी चौधरी या फिर अमिताभ घोष। तो राइट आंसर है पिनाकी चौधरी। अच्छा, बात करें पिनाकी चौधरी की, तो ये है पिनाकी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state has achieved 100% household tap connection under JJM? Now what is JJM? तो JJM क्या है? जल जीवन मिशन, ठीक है? तो इसके अंडर किस स्टेट ने जो है वह 100% household tap connection, मतलब पूरी तरीके से हर घर में 100% सबके घरों में टैप का कनेक्शन जो है, पानी का कनेक्शन जो है वो दे दिया गया है? तो ऑप्शन है गुजरात, बिहार, गोवा या केरल। तो राइट आंसर है गुजरात, जल जीवन मिशन के तहत ऐसा हुआ, ठीक है। और गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसको हर घर जल स्टेट भी डिक्लेयर्ड किया गया है, हर घर जल, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, हर घर जल या फिर जल पानी से रिलेटेड जो भी स्कीम के अंडर, ठीक है, टैप वाटर ये सब जितने भी मतलब ऐसे वर्डिंग्स अगर यूज होते हैं, ठीक है, और इसका ध्यान है या याद रखेंगे, ठीक है, तो गुजरात इसका आंसर होगा, ठीक है। गुजरात की बात है तो सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, कैपिटल गांधीनगर है गुजरात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर अप्रूव्ड तेरई एलिफेंट रिजर्व इन, तो तेरई एलिफेंट रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा, सेंटर ने मंजूरी दे दी है, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा, 3049 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बनाया जाएगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है इन्हीं के कह सकते हैं इसी एरिया में, पीलीभीत और दुधवा इन दोनों को मिला के इन्हीं के जगह पे, इन्हीं के कह सकते हैं कि इस एरिया को मिला के इस जगह पे बनेगा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत के जगह में, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अच्छा, उस पर जाने से पहले उत्तर प्रदेश की बात थी तो सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है, कैपिटल लखनऊ, ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म, तो वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म ये भी है क्या? तो ये वुमेन की सेफ्टी और हाइजीन डेस्टिनेशन को इंश्योर करने के लिए ये एक पहल जो है स्टार्ट की है, तो किस स्टेट ने किया है? गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या केरल। तो राइट आंसर है केरला गवर्नमेंट, केरला गवर्नमेंट का इसके पहले भी कई सारा एक अच्छा स्कीम आ चुका है, जिसके जैसे कि जो इनका अभी एक आया था हमने पढ़ा था, ऑनेस्टी शॉप, ठीक है, तो ये भी एक इनिशिएटिव था जो स्कूली बच्चों के लिए था, जहाँ पर बच्चों के अंदर जो है वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, मतलब उनके अंदर ऑनेस्टी की भावना लाना, ठीक है, और कई सारे मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर जनरेट करना बचपन से ही इस मिशन का, इस कैंपेन का मेन मकसद था, ठीक है। और उसके बाद कई सारे मतलब कई सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं केरला गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए, तो एक बहुत ही सराहनीय कदम था ये भी। और यहाँ पर भी जो ये वुमेन फ्रेंडली टूरिज़म जो स्टार्ट किया है केरल की गवर्नमेंट ने, ये भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है। तो बात करें केरल की, तो केरल के जो सीएम है वो पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।